जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग GDC के एग्ज़ाम के बारे में उसके क्वेश्चन देख रहे थे, तो इससे पहले वाले वीडियो में शिफ्ट वन का देखे थे ALP टेक्नीशियन। आज देखेंगे शिफ्ट टू, जो ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड का नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर रखा गया है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था 15/12/2023 सेकेंड शिफ्ट में, उसमें जो GK के क्वेश्चन आए थे उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कोटक म्यूचुअल फंड से किसके साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षक और जागरूकता पहल सीखो और पैसा की भाषा लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये सितंबर 2023 की बात है, और ये किसके साथ किया है, CBSE के साथ किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो कौन है, परवीन सूद। ठीक है, कौन है, परवीन सूद है, ये नया बने हैं मई 2023 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इतना आसान क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत दिन तक रहे थे, 17 साल कुछ दिन तक रहे थे, 1964 में मौत हुई थी इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान अधिनियम संशोधन 1989 में मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो राइट आंसर था 18 वर्ष। कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क US, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दो तीन फुल फॉर्म से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही है, SARS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत जगह कॉन्फ्रेंस भी किया हुआ था, तो बच्चा कॉरपोरेशन के जगह में कॉन्फ्रेंस भी मारा है, बहुत सारा गलती किया है। ठीक है, तो इसके अगर सदस्य की संख्या पूछा जाए तो ये 8 है। अगला था, BPO का फुल फॉर्म क्या होता है? BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अगला फुल फॉर्म था भेल, BHEL, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1964 में। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली है। कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली है। अगला फुल फॉर्म GDP, GDP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये कोई ही बच्चा होगा जो गलत मारा होगा, इसका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। कहाँ होगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, रेल बंधु का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये पत्रिका से है, जितने भी यानी कि स्पेशल ट्रेन हो गया, जैसे राजधानी हो गया, तेजस हो गया, दुरंतो एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, ये सब में फर्स्ट AC यानी कि फर्स्ट क्लास, ठीक, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, तीनों AC के यानी जितने भी पैसेंजर हैं सबको पत्रिका प्रदान किया जाता है। जो जिस भाषा में पढ़ना चाहता है वहाँ उस भाषा की पत्रिका दिया जाता है, तो इसे कहते हैं रेल बंधु का संबंध किससे है, तो पत्रिका से। वहाँ और सारा ऑप्शन था, कुछ और गलत मारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, UNO का महासचिव कौन है वर्तमान में? तो सब जानते हैं एंटोनियो गुटेरस है, जो 2017 से वर्तमान तक है, अभी वही 2017 में नियुक्ति हुई थी, UNO का
महासचिव कौन है? इंटर गुटेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, क्या था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था योजना आयोग, और था विश्व मजदूर, विश्व बैंक, तो ये सब टाइप का, तो जिसमें कि योजना आयोग एक अलग थे, तो इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग, भारत के योजना आयोग लिखे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस बॉलर ने ODI वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लिए? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने टोटल 24 विकेट लिए 7 मैच में। ठीक है, 7 मैच में 24 विकेट लिए, एक मैच में वो 7 विकेट लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर मेमोरी के सबसे छोटे यूनिट या सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? तो बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट। मेमोरी जैसे GB, TB, टेराबाइट, GB, ये सब देखते हैं ना, तो सबसे छोटा क्या है? बिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है एप्पल आईफोन बनाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी होगी? ये नहीं कि ये एप्पल फोन बनाएंगे, एप्पल फोन के सारा मटेरियल अमेरिका का कंपनी एप्पल, तो वहाँ से आएंगे, सिर्फ यहाँ पे भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा इसे असेंबल किया जाएगा। ठीक है, जोड़ा जाएगा, उसे एक रूप दिया जाएगा मोबाइल का। तो भारत का पहला कंपनी होगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एप्पल फोन का असेंबल करेगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप, जो कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर, विश्व के 7 अजूबे में से कौन सा भारत में है? तो इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। जैसे ताजमहल था वो ऑप्शन में, चार मीनार था, कुतुब मीनार थे, और एक था सादा ताजमहल, ये सादा क्या कहते हैं, सादा मस्जिद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताजमहल। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? टेलीफोन का जो आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल, सब जानते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, कौन से बैंक आदमी को लोन नहीं देता है, सीधे आदमी को लोन नहीं देता है? तो होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भारत को जैसे देश को लोन देता है, किसी आदमी को नहीं देता। हम डायरेक्ट जाएंगे तो हमें लोन नहीं देगा, लेकिन भारत सरकार जाएगा तो उन्हें लोन दिया जाएगा। देश यानी जितने भी देश हैं जिसे ज़रूरी पड़ता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? यानी कि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है, किस माला का है, यानी पर्वतमाला का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25, द्रव से गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से जो सीधे गैस बनता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है,
उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव से गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिन में किस तारे से हमें रोशनी प्राप्त होता है या मिलता है। तो राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य से हम लोग दिन में रोशनी प्राप्त करते हैं। तो ये 26 क्वेश्चन देखे इस वीडियो में, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।